बहुत ही मजा है आपके साथ शूट करके, सो बड़ा होके हीरो बन के ना आपके साथ मूवी करूंगा। सॉरी, हाँ ठीक है ना, वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को सुनना चाहिए। तो संडे को आई एम कमिंग टू नेपाल काठमांडू एंड उधर ही हम करेंगे हमारा छोटा सा मीटअप। गुड नाइट एवरीवन। मैं गुड नाइट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट कितने 12 बजने ही वाले एंड सब सो गए घर पे और मेरे को हो गई है रात की नाइट क्रेविंग जो कि मैं रोक नहीं सकता बिल्कुल भी। मैं सब चीज रोक लूँ, मैं सुसू रोक सकता हूँ, मैं पानी पीना रोक सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, बट मेरी जो नाइट क्रेविंग है वो मैं चाहे जितना भी मेहनत कर लूँ बट रुकेगा नहीं। सो आज जस्ट हमारी जो मेगा है वो कैंटीन जाके हमारे लिए ओरियो लेके आई, तो फिर हमारा मन कर गया ओरियो शेक पीने का। अभी आएगी नींद अच्छे से। बाकी गाइज आप लोग को पता ही है कि मैं नेपाल आने वाला हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट 2 days लेफ्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सिर्फ 2 दिन रह चुके भाई नेपाल आने के लिए। सो गाइज अभी मैं ना फटफट सो जाता हूँ, मैंने पी भी लिया भाई ओरियो शेक वगैरह, भाई मजा आ गया, अभी अच्छे से नींद आएगी मेरे को। बाकी तो कल सुबह होप करता हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ और फिर वर्कआउट के लिए जाऊँ बिकॉज बहुत ज्यादा मीठा वीठा फिर कचर पचर पचर करके ना मेरा वेट गेन हो जाएगा जो मैं चाहता नहीं हूँ। सो या गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 एंड लिटरली मैं सालों भी नहीं अरसों के बाद उठा हूँ इतनी जल्दी वर्कआउट के लिए वो भी। सो होप करता हूँ कि ऐसी कंसिस्टेंसी रहे मेरे भाई मेरे अंदर। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, स्पेशल इसलिए बिकॉज आज मेरा शूट है एंड जो मेरा शूट है वो रकुल प्रीत सिंह के साथ है जो कि मेरी मतलब वन ऑफ माई फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस में से है एंड उनकी मूवीज लाइक पापा और मैं बैठ के देखते थे, जो साउथ इंडियन मूवीज जितनी भी आई है उनमें। आज का मौसम इज लाइक वेरी प्रीटी बिकॉज मेरे को डर ये लग रहा था कि इफ अगर धूप निकला तो फिर मैंने ऑब्वियसली स्वेटर पहना है। सो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर धूप भी होती तो भी मैं पहनता। मेरे घर वाले ऐसे परेशान हो रहे थे बिकॉज वो बोलते कि इतनी गर्मी में तू स्वेटर कैसे पहन लेता, बट मेरे को पता है कि वो मैटर करता है मेरे आउटफिट, बस चाहे मैं रेगिस्तान में हूँ भले मेरे को स्वेटर पहनना है और वो आउटफिट अच्छा लग रहा है वो मैं पहनता हूँ भाई। भैया ये पूजा एंटरटेनमेंट यही है, शूट कहाँ पर हो रहा है आपको पता है? ऊपर है। ओके सो गाइज आई रीच्ड एंड अभी जस्ट ऑब्वियसली लेट हो गया यार मैं। मैं सोचता हूँ कि मैं टाइम पे हूँ बट इस बार फिर से मैं लेट हो गया। सो गाइज फाइनली मतलब मैं घर से आया था फुल रेडी वेडी होके, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था। अभी मैं अपने दोस्तों को जलाऊंगा, देखो दोस्तों मेरे मजाक करो। सो गाइज मतलब इतना ज्यादा मजा आया मैम के साथ शूट करके, मैम आई वॉज सो नर्वस। मैं जस्ट घर पे ये बोल के आया था कि मेरे पापा और मैं ना दोनों मिलकर आपकी मूवी देखते हैं, मतलब आपके ना सब मूवी देखे हमने एंड लिटरली हाँ रियली मतलब मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ एंड आप बहुत मतलब देखो मतलब इतना कितना बड़ा बना दिया। आई एम नॉट फ्रॉम दिस। बचपन मतलब कौन सा बचपन, 2 साल पुराना वाला बचपन ही चल रहा है। हाँ, सो जस्ट मैं यही बोल रहा था कि मैम बहुत ही मजा है आपके साथ शूट करके, सो बड़ा होके हीरो बन के ना आपके साथ मूवी करूंगा। सॉरी, हाँ ठीक है ना, वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को सुनना चाहिए। तो हियर गाइस देयर इज अ न्यू हीरो इन द मेकिंग। ओह माय गुडनेस, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही मजा है आपके साथ शूट के, मेरा तो हाथ कांप रहे भाई। गाइस सो गाइज मीट हमारी वन एंड ओनली असीस कौर जिन्होंने मतलब रकुल प्रीत मैम का गाना गाया जो कि इतना प्रिटी गाया मैम आपने एंड कैसा रहा? मैम ना इतना डर रही थी मेरे साथ डांस करने को, मैम बोलती कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने कहा मैम आप कर पाओगे और मैंने मैम को पूछा भी नहीं कि मैम आप डांस करोगे, मैंने मैम को बताया मैम डांस करना है आपको। Exactly, और मैम ने बहुत अच्छा किया मैम, आप मान लो आप गाते भी अच्छा हो आप डांस भी अच्छा करते हो। मुझे हाँ या ना कहने का मौका नहीं दिया गया है, सीधा बोला गया कि आपको डांस करना पड़ेगा और मैं फिर इतने क्यूट से लड़के को कैसे मना कर सकती हूँ। सो बाकी यार मतलब बहुत ही मजा आया मैम, मतलब आप ना क्या बोलते हैं ना मतलब आप इंस्पिरेशन हो बहुत सारी उसके लिए। You are an inspiration. Thank you. All the people who love you, who watch your videos and who connect with you. So guys, keep following him and subscribe. And yes, subscribe to his YouTube channel and मैम के गाने सुनते रहो गाइज और मैम के गाने सुनते रहो और क्या गाइज, बहुत ही मजा आया बट जेन्युइनली मैम के साथ मजा आया और क्या। सो गाइज क्या ही बोलूं मैं, मतलब मजा सा आ गया, शूट कंप्लीट हो चुका है अभी निकलते। ओके सो गाइज अभी मैं आया हूँ लोखंडवाला मार्केट एंड वो ये शूट जैसे खत्म हुआ मैं घर पे गया एंड मैंने घर का खाना खाया बिकॉज क्या ना डेली मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो मैं घर गया खाना खाया फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया फिर उसके बाद मैं वापस आ गया बिकॉज मेरे को मेरे लिए एक फॉर्मल शूज़ लेना है। शूज़ तो मेरे पास नॉर्मली बहुत पड़े बट जो बोलते हैं ना फॉर्मल कपड़े वाले जो सूट बूट के साथ पहनते हैं ब्लैक वाला मेरे पास है, मेरे को ब्राउन वाला चाहिए था। सो गाइज मैं लोखंडवाला गया था, शूज़ तो मिला नहीं बट मेरे शूज़ जैसा दोस्त मिल गया।
सो अभी हम यहाँ पर आए शॉर्ट्स खेलने के लिए। शो अभी हम यहाँ पे हैं। तो गाइस अभी हम आए यहाँ पर, रुक जाना भाई भाई, ये मतलब हो गया कार्ड का हो गया। हाँ चला जा, क्या जूते तो ले जा भाई। गाइस ये शूज देखो, शॉर्ट्स के उठा के ले गए। मैनेजर साहब बिजी है। सो फाइनली आज वैसे हम दोनों ने, भाइयों ने सेम जूते पहने हैं, बूट्स पहने हैं। एंड बाकी शॉट आने का ना गाइज एक ही मकसद होता है, दैट कि हम बॉलिंग कर सकते हैं। बट योगेश का ऐसा नहीं है कि ये लड़कियां ताड़ने आता है गाइज। मैं तो बॉलिंग करने आता हूँ, ये तो बोलता है भाई आज कोई होगा कि नहीं यार। ये रीजन इतना भी सुनते ना, कंटेंट निकालने के लिए बोलता है, कंटेंट कुछ भी नहीं है गाइज। मैं रियलिटी बोलता हूँ, फैक्ट बोलता हूँ। आपको पता है हम दोनों भाई लोग हैं, तो जो एक करेगा वो दूसरा करता है, तो याद रखना हम में कुछ भी डिफरेंट। अच्छा चल ठीक है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। करके दिखा। मैं नहीं करता। हाँ तो बस ये क्या हुआ भैया, बटर कहाँ पर है? बटर अंदर है। और मेरे को एक ओट्स चाहिए। ओट्स, वेयर इज ओट्स? ओट्स 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 ओट्स। सो आज रात को मेथी के पराठे बनने वाले हैं, सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी बटर ले लिया, बिकॉज बटर ना हमारे घर पे खत्म हो चुका है। और क्या लूँ, जूस ले लेता हूँ, एक ऑरेंज जूस। ओके सो गाइज बैक टू दी होम, एंड अभी बज रहे हैं रात के 10 एंड मैंने खाना भी खा लिया है। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो, बिकॉज कल मैं आ रहा हूँ नेपाल 24th of July। एंड ये जो डेट है ये इंडिया का है, नेपाल का आई गेस 7-8 संडे को आई एम कमिंग टू नेपाल काठमांडू, एंड उधर ही हम करेंगे हमारा छोटा सा मीटअप। सो कल मेरी फ्लाइट है सुबह 8 बजे, एंड मैं अप्रॉक्स नेपाल पहुंच जाऊंगा 12 बजे काठमांडू पे। देन हम मिलेंगे काठमांडू के एयरपोर्ट के बाहर ही, एंड इट्स नॉट कंपलसरी कि सबको आना ही आना है। इफ अगर जो भी लोग फ्री हैं, जो लोग चाहते हैं कि आकाश से मिलना है, या फिर मेरे को उल्टा अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों से मिलूंगा, नेपाल के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। बाकी सी यू सून इन नेपाल। बाय।